चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांच को लेकर प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों से कमेटी बनाने के लिए कहा है, बातचीत के लिए कमेटी के लिए कहा। और एमएमएस कांच में आरोपी युवक शिमला से गिरफ्तार हो चुका है। एमएमएस कांच में अब तक दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी छात्रा जो एमएमएस बनाकर उस युवक को भेजती थी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो शिमला में आरोपी है जिसके पास ये एमएमएस भेजा जाता था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। हिमाचल के डीजीपी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी बीते दिन दी थी और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जल्द ही अब इस पूरे मामले में एक सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जांच चल रही है। चूंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके माता पिता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, चूंकि वहां पर जो छात्राएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे में लगातार जो पेरेंट्स हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। एमएमएस कांड में फिलहाल आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे पूछताछ होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्या कोई और भी इसमें शामिल है, तो तमाम बिंदुओं की जांच होगी। चूंकि बेहद गंभीर विषय है, हजारों की संख्या में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। आप उन मांगों को हमारे सामने प्रोफेशनली तरीके से रखिए। हम एक एक मांग पर तवज्जो देंगे और आपको आपकी मांगे बिल्कुल पूरी करेंगे अगर आप उसको प्रोफेशनली हमारे साथ लेकर आते हैं। मेरा सजेशन यह है कि आप हमें सहयोग दें। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि जस्टिस हो तो आपको हमें भी सहयोग देना होगा। हम प्रोसेस बना रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड में अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से गिरफ्तारी ये पूरी हुई है। और इसके साथ ही सबसे पहले उस आरोपी छात्रा की तस्वीर देखिए जो एमएमएस बना के शिमला में रह रहे अपने दोस्त को भेजती थी, और शिमला में जिसके पास ये एमएमएस भेजा जाता था उस युवक की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक दो चेहरे सामने आए हैं। सबसे पहला चेहरा वो छात्रा जो एमएमएस बनाकर भेजती थी और दूसरा जिसके पास ये एमएमएस भेजा जाता था। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहां पर ये पूरा एमएमएस कांड सामने आया है। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहां पर स्टूडेंट मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट से हमने बात की उनका तमाम लोगों का यही कहना है कि जो पुलिस दावे कर रही है तमाम दावे झूठे हैं। यहां पर लड़कियां बेहोश हुई है, अस्पताल भी पहुंची है और जो वार्डन है वार्डन भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, वार्डन भी जो है सवालों के घेरे में है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जिस तरीके से यहां पर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों में इतनी नाराजगी है, उनका यही कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए। जो आज किसी दूसरे की बहन और बेटी के साथ हुआ है वो कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। और इसीलिए जो है तमाम यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुंचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, साथ में पूरा पुलिस का महकमा भी मौजूद है जो लगातार स्टूडेंट्स को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तमाम प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, यानी कि आप स्टूडेंट्स की आवाज को यूथ की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट से बात हुई है वो लगातार जो इस बात को कह रहे हैं कि एमएमएस भी बने हैं, लड़कियों ने जो है उनको बेहोश होते हुए सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा गया है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल रूम होता है उनको वहां पर रखा गया था। और ये तमाम बातें जो है स्टूडेंट जो है लड़कियां वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रही हैं, क्योंकि उनको यही कहना है कि अगर उनका कैमरा
कैमरे पर उनका जरा भी चेहरा आता है तो उन पर कोई भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वो अपना करियर बनाने के लिए आई है, लेकिन उनको यहाँ पर करियर बनाने में सपोर्ट की बजाय जो है इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। वार्डन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वार्डन का तमाम का यही कहना है कि वार्डन उन पर भप्तियां कसती है, वार्डन जो है उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो तमाम जो अगर प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे हॉस्टल प्रशासन की बात करें, वो सवालों के घेरे में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जहां आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की बात कह रही है, तो वहीं छात्राओं के गंभीर आरोपों के बाद कॉलेज प्रशासन की लापरवाही भी उजागर होती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड, छात्राओं के पर्सनल वीडियो वायरल, यूनिवर्सिटी में देर रात बरपा हंगामा, एमएमएस कांड को लेकर भारी बवाल, मामले में पुलिस कर रही पड़ताल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देर रात शुरू हुआ छात्रों का बवाल सुबह तक चलता रहा। यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो शूट करके वायरल करने का आरोप लगा। बताया गया कि आरोपी छात्रा ने शिमला में एक युवक को लड़कियों के वीडियो भेजे थे। युवक ने ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए, जो कि वायरल हो गए। जब छात्राओं ने अपने वीडियो इंटरनेट पर देखे तो वो दंग रह गई। वीडियो सामने आने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों ने भारी हंगामा किया, जो कि सुबह तक बदस्तूर जारी रहा। इस पूरे प्रकरण में शुरुआत में खबर ये भी आई कि वीडियो वायरल होने से आहत कुछ छात्रों ने सुसाइड की कोशिश की है। हालांकि बाद में पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एमएमएस कांड में किसी भी छात्रा के सुसाइड की कोशिश की खबरों का खंडन कर दिया। एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि आरोपी छात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पर बिल्कुल हम ध्यान ना दें, किसी भी की कोई डेथ नहीं हुई है यहाँ पे। इस तरह के कुछ रूमर्स मेरे नोटिस में आ रहे थे, कुछ वीडियोस इस तरह के वायरल हुए हैं। अभी तक मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं आई है। हमने ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर कर दी है और एक जो है जो एक्यूज्ड स्टूडेंट है उसको हम ऑलरेडी अप्रिहेंड कर चुके हैं और हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। वहीं जब एमएमएस कांड को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने इस मामले में और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वैसे मैं चंडीगढ़ के एलसी हॉस्टल के बाहर हूं, जहां पर यह तमाम प्रकरण हुआ है, घटनाक्रम हुआ है। यूनिवर्सिटी की ओर से यह कहा गया है कि किसी का एमएमएस नहीं बना, सिर्फ उस लड़की के वीडियोस थे। ऐसे में ये प्रदर्शन, ये लड़कियां क्या कहती हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी लड़कियां जो हैं वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कहेंगी? यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोई वीडियो नहीं बना, किसी सर वीडियोस बनी है, बॉयज हॉस्टल में लीक भी हुई है और वो वीडियोस मिली थी सबको। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी इस पर पूरी तरह से लीपा पोती करने में आ रही है, आप लोग क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप ने सुरक्षा के देखते हुए आपको हॉस्टल में रखा था? सर इस पे तो हॉस्टल दूसरा दिखाया गया था और ये है हॉस्टल दूसरा, हमें दूसरा डेमो दिखाया गया, उसके अंदर सब कुछ फैसिलिटी थी और हमें दूसरे हॉस्टल में ला के रख दी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वॉशरूम के कुंडी भी नहीं है। कुंडी कहाँ नहीं है, कहाँ पे? वॉशरूम में भी नहीं है, ना हैंगर में भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, हम कहाँ जाए? नीचे एक सेपरेट वॉशरूम है पेरेंट्स के लिए, उसमें ना बाहर से लोग है ना अंदर से लोग है, ठीक है? बॉयज हॉस्टल अलॉट किया है, अंदर रूम्स में ना कलर है, इतना गंदा गंदा वर्डिंग लिखी हुई है लड़कियों के लिए, वहाँ पर गाली भी लिख रही है, वो तक हमें देखनी पड़ रही है, वो तक साफ नहीं करवाई। ये बॉयज हॉस्टल था जिसमें आपको शिफ्ट किया गया है? हाँ जी। अब जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, इनका कहना कि किसी ने सुसाइड नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा, दबा रहे ये लोग हमें ताकि हम कुछ करें ना। कौन लड़के आप जानते हो? नहीं जानते नहीं, बट हमें पता चला है कि तीन लड़कियों ने सुसाइड करा, बहुत सारी लड़कियां एडमिट है, हम सारे फ्रेशर्स हैं, हमें दबाने की कोशिश करी जा रही है। उधर पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस मामले की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सर चंडीगढ़ में एक मामला सामने आया है जहां लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उनका एमएमएस एक लड़की द्वारा बनाया गया। नहीं वो बहुत गलत गल की, जिसने भी की बहुत घटिया कार्रवाई की। मैं अपनिया बच्चियां नू, छोटिया भेणा नू, यूनिवर्सिटी वाली साडिया धीआं पढ़दियां उत्थे, सब नू कहूंगा कि असीं उन्हां दे नाल आ। जिन्ने भी ये करतूत की, चाहे कि कुड़ी ने की है चाहे होर ने की, वो बहुत घटिया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने भले ही इस मामले में आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ पुलिस की भूमिका पर छात्रों के लगाए गए आरोप भी कई सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में साफ है कि एमएमएस कांड में अभी भी कई ऐसी परतें हैं
जिनसे पर्दा उठना बाकी है। चंडीगढ़ से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए विपिन परमार की रिपोर्ट। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये एमएमएस कांड सामने आया, उसके बाद काले कपड़ों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है छात्राओं के द्वारा। गेट फांती हुई छात्राओं की तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहां पर उग्र होती हुई छात्राएं नजर आ रही हैं। छात्राओं में आक्रोश इस बात को लेकर, चूंकि वो सुरक्षित नहीं है। तो एमएमएस कांड के बाद से अब लगातार छात्राओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। चूंकि जिस तरह से यहां पर एक आरोपी छात्रा जो पकड़ी गई है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वो एमएमएस बनाकर और अपने आरोप युवक को भेजती थी जो शिमला में मौजूद था, तो अपने दोस्त को ये एमएमएस वो भेजती थी।